अपने सिक्योर और वेल्दियर टुमारो के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, जिल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में, जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली तीन टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब वो म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी ढेर सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, ELSS एंड थीमेटिक फंड। आइए हर टाइप के म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझते हैं। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड को समझने से पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी की साइज़ के बारे में पता चलता है, यानी कि कंपनी छोटी है या बड़ी। वैसे तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन जनरली जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। उन कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में होता है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है, और वो सारी कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है उन कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। तो इस तरह से लार्ज कैप फंड के अंदर आपका पैसा उन कंपनीज के अंदर लगाया जाता है जो अपने सेक्टर्स में लीडर कंपनीज मानी जाती है। ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होती है, इसलिए इस फंड को कम रिस्की माना जाता है। बुरे वक्त में ऐसी बड़ी कंपनीज फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से अपने आप का सर्वाइव आराम से और आसानी से कर पाती है। मिड कैप फंड लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं और रिटर्न भी लार्ज कैप से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्ज कैप और मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, लेकिन वो उतने ही ज़्यादा रिस्की भी होते हैं क्योंकि आपका पैसा छोटी छोटी कंपनीज में लगाया जाता है और ऐसी छोटी छोटी कंपनीज का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है तो फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला टाइप है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड मतलब वो फंड जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता हो, जैसे कि पावर सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को मल्टी कैप फंड भी कहते हैं। इस फंड में अलग अलग सेक्टर के और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगला टाइप है डिविडेंड यील्ड फंड्स। डिविडेंड यील्ड फंड्स उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल, सेफ, कंसिस्टेंट और लो वॉलेटाइल होते हैं और जो रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। अगला टाइप है ELSS फंड। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी कही जाती है। इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 3 साल के लिए आपको इसमें पैसा कंपलसरी इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल के अंदर ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किए हुए पैसे आप रिडीम नहीं कर सकते। ELSS स्कीम में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। अगला टाइप है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रूरल इंडिया थीम, ई कॉमर्स थीम एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फंड हाउसिंग स्कीम का फंड है तो वो फंड हाउसिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि सीमेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेटल एंड पेंट कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं डेट फंड्स के बारे में। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज पैसे उधार में लेते हैं और फिर इंटरेस्ट के साथ उन पैसों को वापस रिटर्न करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे डेबेंचर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न्स भी कम होते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के डेट फंड्स होते हैं, गिल्ट फंड, जंक बॉन्ड स्कीम्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और लिक्विड स्कीम्स। जो डेट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गिल्ट फंड्स कहते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क 0 होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप्स के गिल्ट फंड्स होते हैं। अगला टाइप है जंक बॉन्ड स्कीम्स। जंक का मतलब होता है कचरा। नाम से ही पता चलता है कि जंक बॉन्ड फंड में डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। डेट फंड्स में अगला टाइप है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में फिक्स डिपॉजिट की तरह ही एक प्री डिफाइंड मैच्योरिटी होती है। यूजरी फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करती हैं।
फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के रिटर्न्स जनरली बैंक एफडीज से अच्छे होते हैं। डेट फंड का अगला टाइप है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड्स वो डेट फंड्स होते हैं जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर कंपनीज शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो करती है। इसलिए लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, टर्म डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। लिक्विड फंड सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लिक्विड फंड्स में रिस्क भी बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं। इसलिए लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप कभी भी लिक्विड फंड से आपका पैसा निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। हाइब्रिड फंड मतलब वो फंड जो एक से ज़्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली तीन टाइप्स के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, मंथली इनकम प्लान, बैलेंस्ड फंड और आर्बिट्राज फंड। मंथली इनकम प्लान में ज़्यादातर पोर्शन यानी कि 60-90% पैसा डेब्ट में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का इक्विटी में। मंथली इनकम प्लान इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत सेफ होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोर्शन डेब्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। अगला टाइप है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड में 65-85% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी का डेब्ट में। बैलेंस फंड में इक्विटी रिटर्न्स लाने में मदद करता है तो डेट पोर्शन रिस्क को कम करने में मदद करता है। अगला टाइप है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड में वो शेयर्स लिए जाते हैं जिनके प्राइस कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में अलग अलग होते हैं और उस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाया जाता है। आर्बिट्राज फंड में 65% से ज़्यादा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। टैक्सेशन के लिए आर्बिट्राज फंड को भी इक्विटी फंड कंसिडर किया जाता है। तो ये थे एसेट क्लासेस के अनुसार म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। आगे म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स तीन टाइप्स के होते हैं, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड एंड इंटरवल फंड। बहुत कम फंड्स इंटरवल फंड्स होते हैं। ओपन एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा खुले रहते हैं, मतलब आप जितने चाहे उतने यूनिट्स परचेज भी कर सकते हैं और जब चाहें तब आपका पैसा रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एंडेड फंड्स ऐसे नहीं होते। क्लोज्ड एंडेड फंड्स के अंदर न्यू फंड ऑफरिंग के वक्त ही आप यूनिट्स परचेस कर सकते हैं और यूनिट्स परचेस करने के बाद में NFO बंद होने के बाद में आप एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेस नहीं कर सकते। और इसकी अगर हम सेलिंग की बात करें तो क्लोज्ड एंडेड फंड्स के यूनिट्स आप मैच्योरिटी से पहले सेल नहीं कर सकते। और मैच्योरिटी से पहले अगर आप नए यूनिट्स बाय या सेल करना चाहते हो तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप कर सकते हो। फंड के मैनेजमेंट के हिसाब से भी दो टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक्स परचेज करते हैं और अच्छा प्रॉफिट हमको निकाल करके देते हैं। जबकि पैसिवली मैनेज्ड फंड्स की बात करें तो फंड मैनेजर पैसिवली मैनेज्ड फंड्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर फंड निफ्टी को ट्रैक कर रहा है तो वो निफ्टी जितना ही रिटर्न निकाल करके देता है। और भी कई टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फंड्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट फंड्स, गोल्ड फंड्स, ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्सेट्रा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें और शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।